बात राहुल करने वाला क्या? मुझे लग रहा है आपका बेटा सारी हदें पार करता चला जा रहा है। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये ज्यादती हो रही है? मैंने कई बार पूछा ना तुमसे। अगर कोई ज्यादती नहीं हो रही है। बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है, ज्यादती हुई ना ये। एक्सक्यूज मी, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं चल रहा। नहीं चल रहा तो ये सब कुछ देखने के बाद कैसे यकीन करें बेटा? मुझे यहाँ पर किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। जिसको जो समझना है ना वो समझता रहे। तुम डिजर्व नहीं करते मेरी बेटी को बेटा, तो मैं ऐसी ही लड़की को डिजर्व करता हूं। बाबर तुम्हें शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए इस लड़की का। ये सब करने से पहले सोचना तो चाहिए था कि उस वक्त में इस लड़की ने तुम्हारा साथ दिया जब तुम अपाहिज हुए थे। इसने तुमसे निकाह किया जबकि तुम्हारे नाम से इस पे तोहमतें लगाई गई। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा मेरी बेटी को, और उसके बावजूद भी ये यहाँ खड़ी रही। ये एहसान तो मानो। मोहित को आप ऐसे बातें नहीं सुना सकते खाबर भाई। आपने कौन सा अपनी बेटी भी यकीन कर लिया था? अरे ये तो आप हमारा एहसान माने, हमने आपकी बेटी को कबूल किया है। फिनीसा चुप रहो। खाबर चलो अंदर चल के बात। नहीं शुजा भाई, क्या बात हो सकती है अंदर बैठ के? इसके तेवर से लग रहा है कोई भी बात ऐसी हो सकती है जिसके बाद मैं ये सोचूं कि मेरी बेटियां खुश रहेगी। हाँ मैं नहीं खुश रख सकता उससे। आप यही समझते हैं ना कि मैं एक धोखेबाज इंसान हूं, बल्कि आपकी बेटी भी यही समझती है। और मुझे किसी को भी अपने किरदार की वजाहत या सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए जिसको जो बेहतर लगता है वो फैसला कर सकता है।